दादर की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो तोखर पहली गाय है वो परी, दो कलर में जो दिखाई देती है, ये पूरी ब्लैक हो जाए। बछड़ा अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, कुंडी कह जाती है, वो कम मिलते हैं आपको देखने में। और ये गाय और दूसरी ये कुंडी गौशाला का दूसरा बुलचिल काउ कह जाती है ना, इसका जो कलर है और कम। गौ माता, आज हम आए हैं मारुति नंदन गिर गौशाला, जो माणावदर के पास बाटवा गांव है वहाँ पे है। और ये एक स्कूल है और यहाँ के संचालक है जीतू भाई, जो शिक्षक होने के साथ साथ गौ पालन भी कर रहे हैं। तो आज हम उनकी मुलाकात लेते हैं। कैसे हो जीतू भाई? जय गौ माता। जय गौ माता। तो आपने ये गौशाला शुरू की, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको कैसे ऐसा लगा कि मैं गौशाला शुरू करूं? हम देखिए तो पहले से गाय के बारे में मैं जानता था और प्यार भी था कि गौ पालन है, तो कोई ऐसा व्यवसाय करने का कोई शौक नहीं था। पर गौ प्रेम से मुझे ऐसा जागरूक हुआ कि गौ पालन किया जाए, और मैंने पिछले 4 साल से गौ पालन कर रहा हूँ। और मैं एक शैक्षणिक संस्था चला रहा हूँ, इसमें ये गौ पालन में इसका जो दूध दही और ये जो है वो प्योर बच्चों को दे सकता है, वो पौष्टिक आहार के लिए मैंने सोचा कि गौ पालन होगा तो एक तो ये गौ माता की सेवा होगी और बाद में गौ पालन में बच्चों के लिए भी एक प्योर जो छाछ है, दूध है, दही वो मिलेगा, इसलिए मैंने स्कूल में ये गौ पालन शुरू किया है। और आपको ये शौक भी है और साथ में यहाँ पे जो आपके हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनको प्योर अच्छा दूध छाछ सब मिले इसलिए। और आपके पास अराउंड कितना गौधन है अभी? वो मेरा एक लक्की नंबर है 41, इसलिए मैं चाहता था जब स्टार्ट किया ना तब एक गाय था, इसका नाम परी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वो मेरी पहली गाय थी, तब इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा गाय रखूंगा। बाद में मैंने डिसाइड कर दिया कि गाय रखूंगा तो मेरी जो गाड़ी बाइक का नंबर है, गाड़ी का फोर व्हील का है, वो 4141 है, इसलिए मैंने सोच लिया कि गौ पालन में 41 गाय करना है, यानी कि 41। अभी मेरे पास 41 गाय है, काम है। और सुबह हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे पूजा सब हो रहा था, तो ऐसा भी हमने कभी नहीं देखा है। और आगे दोस्तों हम नेक्स्ट टाइम वो भी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे सिर्फ गायों को रखते ही नहीं है, पूजा विधि भी सब करते हैं, तो उसके पीछे का क्या है? इसके बारे में बताता हूँ कि सुबह और शाम यहाँ जो ये द्वारकाधीश मारुति नंदन और सरस्वती माँ गौ माता की ये मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है, वो सुबह 7 बजे यहाँ पे आरती होती है, और इसके बाद सब जो बच्चे है वो बच्चे उठने के बाद सब गाय को जो वो आलिंगन करते हैं और प्यार से वो पूजा करते हैं, इसके बाद सब एकत्रित होते हैं यहाँ पे और ये भगवान की आरती होती है सुबह और शाम को दोनों तरफ। और एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मेरे जो छात्रालय तो मैं पिछले 10 साल से चला रहा हूँ, और पहले जो बच्चे की जो बीमारी का जो था वो लगभग हर दिन 3-4 बच्चे बीमार था, और जब मैंने गौशाला स्टार्ट की इसके बाद हर दिन तो नहीं, अभी तो वीक में 2-3 होगा, वो भी सीजन की जो चेंज होती है। और जो आप भी जानते हैं, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो अदर कंट्री में गाय को हग करने के लिए 5,000-6,000 ऐसा चार्ज होता है, और यहाँ वो जो हॉस्टल नहीं है, पुरातन आश्रम शाला जैसे हम चला रहे हैं, और हमारे सब बच्चे सुबह आके पहला उठने के बाद पहला काम जो होता है ना वो गाय को हग करता है और उसको प्यार से उसको खजवाता है, ऐसी अनेक जो प्रवृत्ति होती है वो करते हैं, इसलिए वो बच्चे की जो स्वास्थ्य है वो इसमें ज्यादा सुधार दिखाई जा रही है। और जो हर दिन एक दो होता था ना वो अभी वीक में भी नहीं होता है, ऐसा फर्क मिला है। और दोस्तों यहाँ पे स्कूल तो है ही, यहाँ पे शिक्षण तो अच्छा मिलता है ही, साथ साथ संस्कृति का भी शिक्षण मिलता है, कि आजकल ऐसे स्कूल आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि जहाँ पे ऐसा गायों के साथ रहने का, गायों को मिलना, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो आगे हम दिखाएंगे। अभी आप हमें आपकी गायों के बारे में थोड़ा बताइए। और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि ये सब जो हमारे
गाय है वो आप सब दिखाई दे रही है और इसके जो बच्चे है वो नीचे आप दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि हमारी गौशाला में मैंने अपना पहला आपको बताया है कि पहली गाय लाया था उसका नाम परी है और ये आपके सामने है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, और परी है और इसके बाद गौरी है दूसरी गाय हमारी गौशाला की और ये गोपी तीसरी, ये सब गाय हमारी गौशाला की है। हमारी पहली गाय है वो ये परी, वो आप देख रहे हैं, ये हमारा गौशाला का नंदी है। इसका जो फादर की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ तो तोखार का ये बछड़ा लाया था मैंने और इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा आगे। और ये नंदी अभी 4 साल का हुआ है और इसका रिजल्ट भी आपके सामने हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है वो भी पता चलेगा आपको। और ये हमारा गौशाला का नंदी का 4 साल हुआ है और जो ये मैं द्वारके से परचेस करके लाया था और इसका फादर तोखार था, इसकी माँ आता गंगा, इसका जो माता का जो दूध था वो 8 से 9 लीटर जैसा दूध था और हिस्ट्री बहुत बढ़िया है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैंने अभी आपको वहां पे बोर्ड में दिखाया था कि हमारी जो पहली गाय है वो परी, वो ये हमारी गौशाला की, मैंने पहला एक गाय लेके गौशाला स्टार्ट की थी और पहला तो मैंने सोचा ही नहीं था कि गाय इतनी सारी, मैंने बोला कि 41 गाय मेरे पास है तो इतना सोचा नहीं था, पर ये गौ माता की जो कृपा हुई और इसकी जो कृपा दृष्टि थी, मैंने ऐसा विचार किया कि अभी गौ पालन से बच्चे को सेहत में फायदा होगा और सभी जो ब्रीड है वो भी अच्छी आप कर सकते हैं। तो बाद में मैंने 41 गाय की थी, पर पहले की गाय जो मैं आपने पहला बताया वो ये गाय है और अभी मैंने फाइनल डिसाइड किया है कि ये गाय कभी भी बेचने वाला नहीं क्योंकि हमारी गौशाला की पहली गाय है। ये आपकी जो परी है उनकी बछड़ी भी होगी आपके पास? इसकी बछड़ी मैं आगे आपको बताऊंगा, वो भी आगे हमें दिखाइए। और ये जो दूसरी गाय है इसका नाम है गौरी, वो हमने परचेस करके लाया है। और आगे में जो आपको दूसरी गाय में गौशाला में लाया है वह भी मैं आपके आगे बताऊंगा। जो ये गाय आप देख रहे हैं इसका नाम है गोपी और ये तीसरे ब्याई हुई है, इसके तीनों तीन बछड़ी है, तीनों तीन बछड़ी है, दो इसमें छे, एक सोनू का है और एक है वो आपने पहला जो नंदी देखा है इसका अर्जुन का होगा। और ये जो है इसको कोयल, ये पूरी एक साल में दो कलर में जो दिखाई देगी होगी, ये पूरी ब्लैक हो जाएगी, अभी थोड़ी आपको वो जो काली और रेड दिखाई दे रही है जामली है और बाद में वो पूरी ब्लैक हो जाएगी, जब वो ब्यात में आएगी ना तब पूरी ब्लैक हो जाएगी। और ये अभी एक आप देख रहे हैं इसका नाम जो मुरली है, इसका बच्चा जो अर्जुन से गाभन थी और अभी इसका जो बच्चा है वो मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा। अभी जो मैंने आपको बुल दिखाया था ना अर्जुन, जो इसका ये जो बछड़ा है वो अर्जुन का बछड़ा है और ये आप जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर और पूरा देख रहे हैं, ये बछड़ा है आप जो 5 से 6 महीना का हुआ है, अभी इसका पूरा दूध है उसका इसकी माँ का वो पिलाया जाता है और इसके माँ की जो दूध कैपेसिटी है वो 8 लीटर जैसी यहाँ पर डे 16 लीटर है। और ये बछड़ा अभी मैं तैयार कर रहा हूँ और क्योंकि मुझे जो पूरा रेड का शौक है गाय के लिए इसलिए मैं ये बछड़ा तैयार कर रहा हूँ। और ये अर्जुन का रिजल्ट है, ये बछड़ी आप देख रहे हैं, मैंने अभी बोला था कि वो जो गोपी के तीन ब्याई हुई है इसकी ये तीसरी बछड़ी है और ये भी अर्जुन की है, ये भी आप देख रहे हैं इसका, ये भी अर्जुन की बछड़ी है। और ये जो बछड़ी है वो मुरली अभी मैंने आपको आगे गाय दिखाई और ये बछड़ी है ये भी अर्जुन की है और पूरी तरह दोनों सेम लग रही है, देखिए ये और जो गोपी और ये जमुना की बछड़ी है, ये तीनों तीन अर्जुन को बछड़ी है और एक ये है बछड़ा, ये 4 जो रिजल्ट आपके सामने है वो अर्जुन का है। और अर्जुन में हमने देखा है मेरे पास 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें ज्यादातर बछड़ी हुई है और ज्यादातर बछड़ी हुई है, 2-3 बछड़ा है इसमें छे, एक आप सामने देख रहे हैं। और ये जो बछड़ी देख रहे हैं वो आगे हम एक गाय दिखाएंगे, वो होथल इसका नाम है, इसकी बछड़ी है, इसका ये दूसरा ब्यात है और ये दूसरी बछड़ी हुई है
और ये एक आप देख रहे हैं आराम से सो रही है, आपके सामने ये काकरेज की है, इसका नाम सोनल है। वो आप देख रहे हैं वो काकरेज जो कच्छ में दिखाई देती है, वो काकरेज की बछड़ी है। और अर्जुन ने मैंने बोला था ना पहला के ज्यादातर बछड़ी होती है, इसमें से एक बछड़ा ये भी अर्जुन का है, दो बछड़ा है। और ये सब जो आप गाय देख रहे हैं इसमें छे, ये पहली जो एक बछड़ी आपने देखी इसी वो काकरेज गाय है, वो एक मैंने शौक से रखा हुआ है, पाला हुआ है, एक गाय काकरेज है। और ये आप देख रहे हैं इसका नाम सरस्वती है। अभी मैं आपको एक बुल अर्जुन बताया, एक मेरे पास बुल है माधव, वो बताऊंगा आपका, इससे ये प्रेग्नेंट है। ये गंगा है वो राज से प्रेग्नेंट है, और मैंने अभी अर्जुन की जो बछड़ी बताई थी, और ये गाय जो है वो जमुना, और इसका नाम राजल है, वो राजल का वो बछड़ा था, मैंने आपको इसकी दूध कैपेसिटी बताया, वो राजल जो खड़ी होती है। और ये गाय आप देख रहे हैं वो कुंडी कह जाती है, और ये सिंह आप देख रहे हैं, ये सिंह गाय में मिलते हैं, ऐसा नहीं नहीं मिलते पर कम मिलते हैं। मैंने सोचा था एक ऐसी गाय परचेज करने के लिए, पर बाद में मेरा लक और गौ माता की कृपा से ये गाय मिल गई है। और ये आपका सिंह देख रहे हैं, देखिए सिंह होता है, कुंडी मेरे पास तीन है और तीन ही एक आपके सामने है, पर इसमें से जो ये सिंह तीनों दिन का सिंह जो है ना वो चेंज, वो आप देख रहे हैं। और दूसरी जो मेरे पास ये आई हुई है, ये इसका नाम जो रूपल है, इसका सिंह भी आप पूरी तरह देख रहे हैं, ये सिंह कैसा कुंडा है। दोनों सिंह आप जो कंबाइन करते हैं तो वो सिंह तो कम मिलते हैं आपको देखने में, और ये गाय और दूसरी ये कुंडी और तीसरी जो गाय आप देख रहे हैं ये सामने वाली गाय, इसका सिंह भी ज्यादातर कुंडी जैसा है। और कुंडी ये तीन कुंडी हम रखते हैं, और इसका नाम होथल है, और आगे मैंने इसके आपकी बछड़ी भी दिखाई थी। और ये आप देख रहे हैं वो हमारी गौशाला का दूसरा बुल मैंने परचेस करके लाया हूँ, वो ये मैं बोटाद से बगल वाले गांव से लाया हुआ हूँ। और ये नंदी मैंने जब लाया था तब तो वो छोटा था, दो साल का, अभी तीन साल का हुआ है, और इससे अभी छह सात हमारी गौशाला में गाय गाभिन है, और इसका नाम माधव है। अभी इससे जो हमने मैंने पहला कुंडी आपको बताई है कि जो कम मिलती है सिंह वाली, यो गाय इससे गाभिन है, और अभी आपके सामने होथल जो कुंडी बताई थी वो भी इससे प्रेग्नेंट है, और आगे मैं बताऊंगा इससे छह सात गाय गाभिन है। अगले बार मैं आपको इसका जो रिजल्ट जब आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। ये गाय आप देख रहे हैं ये मैं गढ़ड़ा से लाया हुआ हूँ, और ये पूरी आप देख रहे हैं जो पहला के समय में जो ब्राजील काव कह जाती है ना वो ब्राजील काव जैसी है, और अभी ये पुष्कर से प्रेग्नेंट है, दो मंथ से प्रेग्नेंट है। और ये गाय पूरी आप देख रहे हैं कि अभी जो कोई गौशाला में जाते तो कम दिखाई देती होगी ये गाय, और ये ब्राजील काव जैसी लगती है, पूरी हाइट बॉडी आप देख सकते हैं गाय का, और पूरी शांत स्वभाव की है। दोस्तों आप ये गौ माता देखिए तो काफी लाजवाब है, आप उसकी सिंग पैटर्न देखिए, बॉडी देखिए, अदर क्वालिटी देखिए, काफी हाइट बॉडी में लंबी है। आजकल ऐसी गाय बहुत ही कम देखने को मिलती है, देखिए काफी खूबसूरत है। और आगे देखिए तो, और जो इसका नाम रेवती है वो जो मैं आपके इसके बारे में बताऊं तो ये रेवती अब राज से गाभिन है, और दूसरी जो ये गाय है वो तीसरा बात ब्याह हमारी गौशाला में हो गया, और ये इसका स्वाति है, और ये दूध और लंबे टर्म वो जो लगभग एक साल तक वो दूध देती है, और कम से कम दूध भी बढ़िया है इसका, 8 लीटर तक दूध होता है एक टंक का आप देखते हैं तो। और ये जो गाय है इसका नाम जो राधिका है, और ये हमारी गौशाला की पहली बछड़ी जो अभी माधव बुल मैंने आपको दिखाया है, अभी इसका नाम राधा है, और राधा आप जो देख सकते हैं कि हमारी गौशाला की पहली बछड़ी है, और वो माधव से प्रेग्नेंट है। मैं अभी आपको आगे बुल दिखाया था इसके, ये प्रेग्नेंट है, और ये वो 5 मंथ का प्रेग्नेंट है वो ये। और ये जो सब बच्चे हैं इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जो पहला मैंने आपको बात की थी ना कि हमारी गौशाला की जो पहली गाय है और इसकी जो ये बछड़ी थी जब गाय लाया था बाद में वो व्यात हुआ तो ये बछड़ी थी वो ये पुष्कर की है, और आप पूरी हाइट बॉडी इसकी देख रहे हैं, अभी भी वो
ढाई साल की आप देख रहे हैं, कल्पना नहीं कर सकते कि वो ढाई साल की है, एक ढाई जैसी लग रही है। और इसके बाद में जो फेमस जो दूसरा कलर होता है नीलड़ी, इसका नाम जो गोरल है। और अभी मैंने आपको काकरेज बताया था, और बीच में आप देख रहे होगा ये जो है वो काकरेज आप देख रहे हैं। और जो आगे मैंने कुंडी एक गाय बताई था होथल, ये पवन की बछड़ी है। और ये होथल की जो पहले यहाँ पे आए और ज्ञात हुआ इसकी बछड़ी है होथल। और अगली एक बछड़ी मैंने आपको जो अर्जुन का रिजल्ट है वो भी आप देखे। और ये जो बछड़ी है वो गोपी, जो दूसरी गाय हमारी गौशाला में थी, इसकी ये बछड़ी गोपी है। और ये जो एक कलर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर आप देख रहे हैं, वो कलर कम मिलता है। नीला जो मैंने अभी आगे बताया वो मिल सकता है, पर ऐसा जो कलर है और कम गायों में दिखता है। और उसका नाम जो बंसी है वो आप देख रहे हैं। और यो ये जो है वो बछड़ी देवल, देवल है इसका नाम। और इसकी माँ अभी हमने बेच दिया है, और अभी इसका 2 साल की हुई है ये बछड़ी। और जो एक ये बछड़ी है वो पहला मैंने आपको बुल बताया है, पहला आपने बुल बताया था, अभी बछड़ा है अर्जुन का, इसकी बहन है। अभी मैंने मेरा पूरा गौधन आपको दिखाया है, और जो गौधन आपको वीडियो में एक बार नहीं 1000 बार देखिए, और देखने के बाद आप जरूर इसमें कमेंट वीडियो में जो कमेंट करके दिखाना। और कभी भी जो हमारी गौशाला में आप जो गौ प्रेमी होने के नाते आ सकते हैं, वेलकम है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और जो आप इच्छुक हो और गौ प्रेम के साथ आप लगे हुए हैं तो कभी भी हमारी गौशाला की विजिट कर सकते हैं। हमारी गौशाला का श्री मारुति नंदन गिर गौशाला बांटवा तालुका माणावदर डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, तो आप कभी भी आ सकते हैं।